से वो भाले निकाल लो बस। मैं क्या कह रही हूँ आपको, कम से कम बंदा चूल्हा तो देख गिनते भी, चूल्हा की लगी भी चूल्हे भी। ये देखें और हम इधर ना नाप तुम्हारी वजह से हुआ साहब। मैंने नहीं कहा जाओ उसके पास, तू बंद कर इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दिल नहीं करता मुँह धोएं क्योंकि वैसे धूप तो निकली हुई है, धूप का बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा हमें, तो हमें ठंडी ठंडी हवा जैसे कहीं बारिश हुई हो और उसकी हवा हमारे पास आ रही हो ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी धूप भी देखे काफ़ी निकली हुई है, उसके बावजूद भी हमें बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से सोच के 2-3 घंटे सोचा है, फिर हाथ मुँह धोना स्टार्ट किया है। तो क्योंकि छपरा वगैरह बनाया था हमने और काफ़ी मट्टी वगैरह हो गए थे कपड़े भी, तो अभी झाड़ू वगैरह भी देना है। कपड़े वगैरह धोए थे, बर्तन वगैरह धोए थे, तो मैंने कहा हाथ वाश कर लूँ और मुँह थोड़ा सा धो लूँ। अभी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कपड़े निकाल रही। काफ़ी हवा चल रही है तो काफ़ी हमारा छपरा जो है वो बिल्कुल हिल रहा है, और ये दोबारा आ गई है खाना खाने के लिए हमारे घर। तो क्योंकि एक दफ़ा रोटी लेकर गई थी तो अब दोबारा आ जाती है, अभी इसको भी डालते हैं। ये देखें जी प्यारे बहन भाइयों कितनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है हमें। ये हमने काफ़ी सारे ओपले जो हैं यहाँ पे थाप लिए थे, ये देखें जो खुश्क हो जाती हैं वो हम एक साइड पर रख देते हैं यहाँ पे। ये आग जलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो क्योंकि लकड़ियाँ वगैरह काफ़ी महंगी हैं तो इससे काफ़ी हमारा खाना वगैरह भी बन जाता है और बचत भी हो जाती है, और भैंसों का दूध भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह मैंने थापे थे, ये देखें ये अभी गीले हैं, जैसे ये खुश्क होंगे तो यहाँ पे इकट्ठे कर देंगे ये, फिर यहाँ पे उल्टे करके रख देते हैं ताकि दूसरी साइड भी इसकी खुश्क हो जाए, और फिर जलाते हैं वहाँ पे भी। ये देखें थोड़ी सी लकड़ियाँ ओपले वगैरह पड़े हुए हैं, भैंस मेरी आंटी ने ली है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, और ये इसका बछड़ा है छोटा सा, और ये काफ़ी महंगी ली है हमारे, लेकिन ये कह रहे हैं बस सही मिल गया मुनासिब है। ये तकरीबन 1,30,000 की इन्होंने ली है दोनों चीज़ें, ये भी और ये भी। ये छपरा इनका बनाया हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है ताकि इसमें इनको ठंड ना लगे। मिट्टी के गर्मियों में तो ठंडे होते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंडे होते हैं और गर्मियों में गर्म होते हैं, उसमें भड़क होती है, तो इसलिए ये मिट्टी से बनाते हैं। ये देखें जी प्यारे बहन भाई, ये देखें इसको बहुत ही मजबूती के साथ बनाया हुआ है, इसमें ये इसको बांस वगैरह जो पतले बांस होते हैं वो दिए हुए हैं, और ये लोहे का एक दिया हुआ है, और यहाँ पे इनकी जगह बनाई थी बांधने के लिए। ये देखें यहाँ पे एक भैंस बांधी थी और उसका बछड़ा जो है यहाँ पे इन्होंने बांधा था, और ये बनाया हुआ है घास, इनको जहाँ पर ये घास खाती हैं ये बनाया हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। ये देखें बहुत ही प्यारा, ये मिट्टी से बनाया हुआ है और इसमें डाल देते हैं घास ताकि ये खाती रहें, और यहाँ पे इनको बांधा हुआ था। ये देखें बिल्कुल नीचे भी मिट्टी है सारी, और
ये सारा तकरीबन मिट्टी का बनाया हुआ है और इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया और यहाँ पे इन्होंने चूल्हे का सिस्टम बनाया हुआ था इस आग वाली कोठी के अंदर ही, ताकि जब हवा चले या बारिश वगैरह हो तो यहाँ पे ये अंदर बनाए। और यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है सामान रखने के लिए, डब्बे वगैरह बर्तन वगैरह रखने के लिए एक छोटी सी सफील बनाई हुई है, ये देखें बिल्कुल इसके अंदर ही। और ये वाला जो है रोशनदान छोटे छोटे से जो बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं ताकि धुआं वगैरह इसके बाहर निकल जाए। ये बबरी का पौधा है जो हमारे घर में भी आप अक्सर देखते रहते हैं, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। एक ही टहनी के ऊपर ये सारे ऊपर पौधे बने हुए हैं, तो मेरी जो है घर में लगे हुए हमारे वो एक ही की टहनी है और उसके ऊपर ये पौधे लगे हुए हैं। तो ये नीचे से देखे एक दरख्त की तरह ऊपर आ रही है, बहुत प्यारी छतरी की तरह लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको पानी वगैरह देते रहते हैं क्योंकि घर वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो ये पानी वगैरह आके दे देते हैं ताकि ये सूखे ना। हमारी भी थी लेकिन वो तो मुर्गियों ने सारी खा के उनको जो है सत्यानाश कर दिया। अब तो वो टहनी बची हुई है, खुश्क टहनियाँ। क्या है? कुछ नहीं, अभी हम आ गए हैं अपने घर पे और अभी बनाते हैं हम चाय, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दिल कर रहा है हम कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह बना के पिए। तो कॉफ़ी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि डॉक्टर ने मेरी चाय बंद कर दी, उन्होंने कहा कि आपने कॉफ़ी ज़्यादा पीनी है, इस वजह से कॉफ़ी बनाते हैं। अहमद अगर चाय पीते हैं तो उनको चाय बना देते हैं। नहीं मैंने नहीं पीनी, मैं ना कॉफ़ी पीनी ना चाय पीनी है, कुछ भी नहीं पीना मैंने। हाँ तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी और अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं, ठंड में कॉफ़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, मुझे ये कहता है हम अबू अबू अबू, मैंने पूछा क्या कहता है, कुछ नहीं। अरम आप क्यों लेके आ गए हो इसको? ढट्टा पिया हो गया है। ढट्टा पिया हो गया है तो आप इसको ना लेके आते ना, आप यहाँ पे वैसे यहाँ पे सारा कचरा फैला हो गया यहाँ पे। हैं? मैं इसको पाना पड़ा हूँ पानी। क्या? तुम को बुखार होगा ना? हाँ। सिंगो गर्मी में। अच्छा, मतलब मुझे नजला होगा फिर आप मुझे पत्ते सिंगवाओगे? देखो इसके काम, मैं लेके आता हूँ ना, वही कह रहा है कि पत्ते सुंघाऊंगा आपको जब बुखार होगा तो। आप इसको मारते हो कि अच्छा नहीं है ये। कभी कभी ना ये अजीब अजीब नहीं करा रहा, नहीं खाओ, हाय गंदा। अभी जो है ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, समीना के मेरे नहीं, मैं तो वैसे भी चाय का आदि नहीं हूँ इतना, तो ये बना रही है अभी कॉफ़ी हमारे नए नए किचन में, है ना। कैसा फील हो रहा है नया किचन में, अच्छा लग रहा है? हाँ, गर्मियों में तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये बंद ये ना छांव होगी यहाँ पे गर्मियों में। हाँ, और वैसे भी अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। तो अभी जलाते हैं आग और बनाते हैं, यहाँ पे काफी कचरा है, मैंने झाड़ू वगैरह दिया था लेकिन हवा इतनी चल रही है कि दोबारा गंद यहाँ पे आ जाता है। हाँ, और दूसरा बाद में मैंने किचन बनाया है ना। हाँ, उसका भी कचरा था कुछ। हम ये उठा के बाहर फेंक, चलो इसको ना चाय बना के ना कॉफी फिर झाड़ू लगा देना, ठीक है? आग जो है ना इसने जला दी है कॉफी बनाने के लिए। चलो इधर हम पीछे जो ऊपर तो रखो कटोरी। हाँ? देखची तो ऊपर रखो पहले। हाँ यार काफी तेज है, हवा चल रही है ना। हाँ कोई बात नहीं, आप ये उपले लगा डालो ना। हाँ वो उपले डालोगे ना फिर सही लगेगी आग। हाँ। तो जी अभी जो है ना हम लेने जा रहे हैं चीनी और पत्ती, चीनी पत्ती उठा रहे हैं, पड़ी है चीनी पत्ती उधर है मेरे ख्याल में। कहाँ रखी है? दूसरी जगह रखी है, उधर की। ओ आग लगी उधर तो। हाँ काफी आग लग गई है, ऊपर तक जा रही है, ये देखो ऊपर तक जा रही है। नीचे से वो बाले निकाल लो बस।
काफी नुकसान हो गया हमारा, अभी तो बनाया था छपरा हमने। काफी हमारे घर में तेरा भी कोई हाल नहीं। मैंने क्या किया है? किवें भाल आ गई हमें तू? देश की भी इसके अंदर है। कम से कम बंदा चूल्हा तो देख गिन दे भी चूल्हा क्या लगी भी भाग चूल्हे को। मैंने इसको कहा भी था ये पत्री को ना आग जल्दी लगती है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। क्या आपने क्या कहा था मुझे? मैंने कहा था ये ले चलो, तो ये तो फिर भी चलो इसके अंदर लगी हुई आग तो यार मेरी ना आप आंखों से ना साइड
ये काफी सारे खराब हो गए हैं अपने। नुकसान फिर लोगों ने करवाया, नुकसान नुकसान हो गया तो तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। यही अगर आप साफ सुथरा बनाते तो आज ना होता ना ये। यार मेरे समय जबान चलने की जरूरत नहीं है, आई समझ। नुकसान करके फिर तुम ड्रामे करना शुरू कर देती हो मेरे सामने। मैं क्या कह रही हूँ आपको, ये भी शुक्र हो गया कि इनको मजबूत नहीं किया हुआ था, वरना ये तो नीचे गिरता ही ना, आग बुझती ही ना। मुदेश की भी नीचे पड़ी हुई है। देख जी भी। काम खुद नहीं सीधा करता फिर दूसरों को बोलते रहते हैं। तो आप अंधी थी, आपको नहीं पता कि ऊपर उड़ेगी आग, इतना हवा चल रही है, फिर भी चीखा जरूरी मचाना था आपने। मैं इतना नहीं जलाई थी, ऊपर उड़ के पता नहीं कैसे लगी है। वो आंटी बुला रही है आपको। तो नुकसान तो बनाया तो आपने था ना। बनाया मैंने था, आग किसने लगाई है? गलती तो तुम्हारी है ना, मेरी तो गलती नहीं है इसमें। वो कह रही है भेजो उसको, मैं पूछती हूँ उससे। मैं उससे खुद ही बात कर लूँगी, खुद ही बात कर लूँ। आप, मैंने नहीं कहा जाओ उसके पास। तू बंद कर उसको। खुदा ने बहुत मुश्किल से ही जान बचाई है हमारी। अगर ये नीचे बैठी होती ना इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होना था। और इधर से ना इसने पत्री को आग लगाई है चूल्हे के अंदर से, और चूल्हे के अंदर से ना चीखा जो है ना वो निकला है। आपको पता है हमने बनाया है अभी अभी, ये छपरा बनाया था अभी अभी कुछ देर पहले। तो उसकी जो ये पत्री होती है ना, पत्री की जो मतलब पत्ते होते हैं वो ना नीचे ऐसे ना मतलब नीचे लटक रहे थे। तो वहाँ से जब चीखा निकला है ना बाहर, तो ऊपर से जो पत्री के ना पत्ते लटके हुए थे उनको अचानक से ना मेरे ख्याल में आग लगी है। तो वो आग जो है ना जो परली साइड है ना उस साइड से ना ऊपर लग गई है छत, छपरे की छत पर। तो उससे ना बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई थी ऊपर, ऊपर पूरे छपरे को आग लग गई थी। तो बहुत ही मुश्किल से अल्लाह पाक ने हमारी जान बचाई है। और ये शुक्र है कि अंदर हम गए हुए थे, मैं भी और दीदी, हम क्योंकि वीडियो बना रहे थे और ये जो है ना अंदर गई थी कॉफ़ी के लिए, चाय पत्ती और चीनी लेने के लिए। तो जो ही हम वापस आए हैं तो यहाँ पे जो है ना आग लग चुकी थी। तो बहुत ही मुश्किल से हमने जो है ना इसको निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पिलर बनाए थे ना लकड़ी के, वो भले पड़े हुए हैं बाले, तो इनके ऊपर ना मैंने ऐसे रखा हुआ था, जो सपोर्ट होती है ना लकड़ी होती है ऊपर मैंने ऐसे रखा हुआ था सिर्फ, मतलब अभी तक बांधा हुआ नहीं था, मैंने इनको मजबूत नहीं किया हुआ था, ऐसे कच्चा कच्चा था। तो शुक्र है मैंने इसको लात मारी है तो ऊपर से जो है ना नीचे वो गिर गई है, तभी जो है ना जाकर वो आग कुछ बुझी है। और नीचे जब गिरी है ना तभी मैंने वो जब आग बुझाई है तभी मैं उसको बुझाने में ना मुझे कुछ इजी हुई है, वरना ऊपर जब मैं पानी फेंक रहा था ना तब मुझसे ऊपर पानी नहीं जा रहा था और आग बुझना नामुमकिन था ऊपर अगर होती तो। शुक्र है मैंने इसको लात मारी तो नीचे गिरी है, तब मैंने इसको ना आसानी से ना बुझा लिया। अरे हम किधर लेके जा रहे हो गंद सारा, क्यों फैला रहे हो गंद? तुम दोनों के दावे बाजना काम ख़त्म नहीं होती कभी। तो ये शायद हमारी कोई अच्छाई थी, तो अल्लाह पाक ने जो है ना अच्छा किया है हमारे लिए कि जो है ना हम कुछ इसको कंट्रोल कर पाए हैं। आग को बाहर भी ना ओपले पड़े हुए थे, उनको भी आग लगी है, उनको भी बड़ी मुश्किल से हमने आग बुझाई है उनकी, और इनको भी ना इसकी आग भी हमने बुझा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब बहन भाइयों की हमारे साथ दुआएँ थी, अल्लाह पाक का भी ख़ास करम था कि जो है ना बच गए हैं हम, और इस आग जो है ना ज़्यादा भड़की नहीं है। और आपको पता है हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, वो इधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो लकड़ियों को भी लग सकती थी, और साथ ही उधर कमान ठहरा है उसको भी लग सकती थी हवा की वजह से उड़ के। और शुक्र है कि गंदम भी ना अभी कच्ची है, तो अगर वो पक्की होती, सूखी हुई होती तो खुदा ना खास्ता उड़ के उसको भी लग सकती थी। तो बहुत सारे नुकसान जो है ना वो लाहक हो सकते थे सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से, कि इसने पत्री जो है ना वो ज़्यादा जला दी और ऊपर जो है ना चीखा मच गया और आग जो है ना फैल गई।
तो जी प्यारे बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए दुआएं करते हैं, किसी ना किसी की दुआ तो हमें लगी है। तो इसी के साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक ले जी अल्लाह हाफिज़।